थाना पिछोर पुलिस को बड़ी कार्रवाई। डबल मर्डर केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक ऑल्टो कार, एक मोटरसाइकिल और 2 लाइसेंस राइफल और अदिया बरामद की। दिनांक 1/9/2024 को कृषि उपज मंडी पिछोर में आरोपीगंज सागर घावरी पुत्र शेर सिंह घावरी, अमर घावरी पुत्र जगदीश घावरी, संतोष घावरी पुत्र लालाराम घावरी, मनीष घावरी पुत्र कल्लू घावरी, सौरभ घावरी पुत्र कल्लू घावरी, राजेंद्र उर्फ छोटा कल्ला पुत्र शिव कुमार घावरी, कल्लू पुत्र मन्नूलाल घावरी और शेर सिंह पुत्र भट्टू घावरी द्वारा एक राय होकर फायर कर 2 सगे भाई विजय घावरी और अजय घावरी की हत्या कर दी गई और मलखन घावरी और लाखन घावरी को घायल कर दिया। फरियादी पवन घावरी पुत्र सीताराम घावरी निवासी पुरानी गला मंडी बड़ा बाजार पिछोर की रिपोर्ट पर थाना पिछोर में अपराध क्रमांक 419/24 धारा 103, 1, 109, 115, 296, 191, 191, 3, 190, 125 BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त घटना के पश्चात तत्काल ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री अमर सिंह राठौर घटनास्थल पर उपस्थित हुए और घटना का बारीकी से निरीक्षण कर आरोपी गणों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु टीम गठित की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें टीम प्रभारी श्री प्रशांत शर्मा, SDOP पिछोर, विचारक निरीक्षक रत्नेश सिंह यादव, थाना प्रभारी पिछोर उप निरीक्षक विनोद यादव, थाना पिछोर उप निरीक्षक नीतू धाकर, थाना प्रभारी बामूर कला, उप निरीक्षक संतोष भार्गव, थाना देहात उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता, चौकी प्रभारी कोड उप निरीक्षक दीपक पालिया की सराहनीय भूमिका रही। टीम द्वारा आरोपी गणों की तलाश झांसी, महुरानीपुर, ललितपुर, शिवपुरी, गुना, बारा, कोटा, ग्वालियर आदि स्थानों पर दबिश दी गई। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमर सिंह राठौर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजय मूल्य के निर्देशन में और श्रीमान SDOP पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 6/9/2024 को निरीक्षक रत्नेश सिंह थाना प्रभारी पिछोर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपराध के आरोपी अमर घावरी, सौरभ घावरी, संतोष घावरी, सागर घावरी, मनीष घावरी एक सफेद रंग की ऑटो क्रमांक MP33C5471 से खनिधाना तरफ से दबिश कला वाले रास्ते नया चौराहा से होते हुए झांसी तरफ भाग निकलने वाले हैं। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी पिछोर निरीक्षक रतनेश सिंह द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक विनोद यादव और फोर्स के आरोपी गनू को दबिया कला रास्ते पर बनी बुधनी नदी की पुलिया पर घेराबंदी कर ऑल्टो क्रमांक MP33C5471 को पकड़ा और आरोपी गण अमर घावरी पुत्र जगदीश घावरी उर्फ गफ्फार घावरी, सौरव पुत्र कल्लू लाम घावरी, सागर घावरी पुत्र शेर सिंह घावरी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऑल्टो कार, एक मोटरसाइकिल और 2 राइफल और एक देशी अदिया और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी पिछोर श्री रत्नेश सिंह यादव, उप निरीक्षक विनोद यादव मौजूद रहे। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। ये 1 सितंबर 2024 को पिछोर थाना अंतर्गत मंडी के पास 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें 8 लोगों ने एक राय होकर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया और फरार आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास किए और लगातार प्रयास करने के बाद कल शाम को मुखबिर सूचना पर इसी आरोप से संबंधित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभी कितने आरोपी बाकी? अभी 3 आरोपी और शेष रह गए हैं, जिनको हम शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। क्या क्या नाम? जो अभी पकड़े गए हैं उनमें अमर घावरी, सागर घावरी, सौरभ घावरी, संतोष घावरी और मनीष घावरी है, और जो शेष रह गए आरोपी हैं वो शेर सिंह घावरी, कल्लू घावरी और छोटा कल्ला और राजेंद्र घावरी अभी फरार हैं। इन 3 लोगों को जो अभी बाकी है और भी कहीं इनके तार कनेक्टिविटी कोई अन्य आरोपियों को लेकर? हमारी टीमें लगातार जगह जगह दबिश दे रही हैं और हम जल्दी ही उनको कनेक्टिविटी के आधार पर और वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं उसके आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा अंदेशा है अभी कितने दिन में आप लोगों की सफलता की ये कहानी नई सामने आएगी? मैं कह रहा हूँ ना, शीघ्र अति शीघ्र हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इनके साथ में क्या कुछ सामग्री और वाहन बरामद? जी बिल्कुल, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अल्टो कार, 2 राइफल जो कि लाइसेंसी थी और 1 अदिया और 3 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद की है। ये खनिया थाना और पिछोर के बीच में दबिया कला जो रास्ता पड़ता है वहां से मुख्य सूचना पर गिरफ्तार की है।